हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ राज यूनिवर्सिटी के लिए, जिनका भी ज्योग्राफी ऑनर्स है तो उनका राज यूनिवर्सिटी के लिए जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ठीक है, तो वो सविंदर सिंह के बुक में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। ये सविंदर सिंह का भौतिक भूगोल है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को राज यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है, तो भौतिक भूगोल पढ़ना है। तो अब देखिए इसमें आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें भौतिक भूगोल पढ़ना है, विषय प्रवेश, ठीक है। भौतिक भूगोल विषय प्रवेश, जिसमें आपका ये तीनों आ जाएगा, भौतिक भूगोल परिभाषा भी आ जाएगा, विषय क्षेत्र भी आ जाएगा और इसका विकास भी आ जाएगा, ये तीनों आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, भौतिक भूगोल विषय प्रवेश। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यहाँ दिया हुआ है सौर मंडल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति। तो आपको यहाँ सौर मंडल की उत्पत्ति नहीं पढ़ना, यहाँ पे आपको पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ना है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, बिग बैंग परिकल्पना भी पढ़नी। यहाँ पर बिग बैंग परिकल्पना भी दिया हुआ है। उसके बाद फिर दिया हुआ है धूल परिकल्पना, यहाँ पर भी देखिए धूल परिकल्पना दिया हुआ है। ऑटोस्मिड की अंतर तारक धूल परिकल्पना। ऑटोस्मिड की क्या, अंतर तारक धूल परिकल्पना, ये आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है, भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जो कि इस बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है वो आपको इस बुक में नहीं मिलेगा, आपको किसी और बुक में मिलेगा, ठीक है। वो एक छोटा सा टॉपिक है भूगर्भिक इतिहास। उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति। फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है, उसके बाद तो आप लोगों को पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति। तो यहाँ निटल दिया हुआ है, ठीक है। तो किस प्रकार से महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति हुई है, तो इसमें आप लोगों का क्या आ जाएगा कि टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी आ जाएगा, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आ जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, ये तो हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है पृथ्वी की हलचलें अंतर्जात एवं बहिर्जात, यानी कि भू संचलन, ठीक है। भू संचलन बोलिए या पृथ्वी की हलचलें बोलिए, भू संचलन का मतलब ही होता है पृथ्वी में हलचल होना। तो पृथ्वी में हलचल होने का कारण क्या होता है, या तो बहिर्जात बल होते या फिर अंतर्जात बल होते। तो उसी को आपको यहाँ क्या पढ़ना है, भू संचलन। भू संचलन के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपको सामान्य परिचय पढ़ना पड़ेगा, दूसरा आपको अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दोनों पढ़ना होगा। अंतर्जात बल में आपका आकस्मिक बल भी आ जाएगा और पटल विरूपणकारी भी आ जाएगा। आकस्मिक जो अचानक कार्य करता है, और पटल विरूपणी जो धीमा धीमा कार्य करता है, ठीक है। जिसमें आपको फिर वलन भ्रंश रिप्ट घाटी ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, भू संतुलन की संकल्पना, ठीक है। भू संतुलन में आपको क्या पढ़ना है, एयरी प्राट और होम्स की संकल्पना। आपको भू संतुलन में क्या पढ़ना है, एयरी की संकल्पना भी आपको पढ़नी है। देखिए भू संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन है ना, तो आपको तो सर जॉर्ज एयरी की संकल्पना भी पढ़नी है, प्राट की संकल्पना पढ़नी है, और फिर यहाँ ऑर्थर होम्स की संकल्पना पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्कैनन की संकल्पना, हेफोर्ड एवं बोवी की संकल्पना, जोली की संकल्पना, तो इन सबको आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, प्राट की संकल्पना और ऑर्थर होम्स की संकल्पना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ज्वालामुखी एवं भूकंप। फिर आपको क्या पढ़ना है, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रियाएं, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया आपको नहीं पढ़ना है, ज्वालामुखी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, भूकंप। तो इसमें देखिए भूकंप एवं भूकंप विज्ञान दिया हुआ, तो भूकंप विज्ञान नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ भूकंप पढ़ना है, सिर्फ यहाँ ज्वालामुखी पढ़ना है और सिर्फ भूकंप पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, पर्वत निर्माण सिद्धांत, ठीक है। कोबर और होम्स का जो पर्वत निर्माण सिद्धांत है, ये मैंने आपको इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर आप नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लें। तो पर्वत निर्माण में क्या क्या पढ़ना है, आपको कोबर और होम्स का पर्वत निर्माण का सिद्धांत पढ़ना है आपको। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, अनाच्छादन। तो अनाच्छादन में दोनों प्रकार की चीजें आती है, एक तो आपका अनाच्छादन में अपक्षय और अपरदन दोनों आते हैं, ठीक है। तो अपक्षय चक्र भी आ जाएगा आपका, अपरदन चक्र भी आपका इसी में आ जाएगा, और अपक्षय भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आ जाते हैं किसमें, अनाच्छादन में आ जाते हैं।
और आपको अपर्दन चक्र किसका पढ़ना है, तो डेविस का और पिंक का पढ़ना है अपर्दन चक्र, ठीक है। डेविस का भौगोलिक चक्र और पिंक की संकल्पना, ये दोनों आपको किस में पढ़ना है, अपर्दन चक्र में पढ़ना है उसके। और देखिए इसमें बहुत बहुत कुछ दिया हुआ, जैसे अपर्दन का सामान्य चक्र है, अपर्दन चक्र में व्यवधान है, नवोन्मेष बहुचक्रीय स्थल स्थलाकृति, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है, डेविस का भौगोलिक चक्र पढ़ना है और पेंग की संकल्पना पढ़ना है। तो अब पक्ष और अपर्दन किस में आ जाते हैं, अनाज छादन में आ जाते हैं। अपर्दन चक्र में आपको क्या पढ़ना है, डेविस का भौगोलिक चक्र और पेंग की संकल्पना पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको जल निकासी प्रणाली एवं पैटर्न पढ़ना है, ठीक है, तो जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, जल निकासी प्रणाली और पैटर्न इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, बहते हुए जल यानी कि नदी के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृति, यानी कि नदियों की, नदियों से किस प्रकार स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, नई नई स्थलाकृति विकसित होती है, उनको आपको क्या पढ़ना है, बहते हुए जल, नदी एवं स्थलाकृति, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, इसी में आपको भूमिगत जल से भी पढ़ना है कि भूमिगत जल से किस प्रकार स्थलाकृति बनती है, जिसमें कास्ट स्थलाकृति आपको पढ़नी है। और फिर आपको क्या पढ़ना है, पवन के द्वारा भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ये पवन के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृति और हिमनद के कार्य तथा हिमानीकृत स्थलाकृति भी आपको पढ़ना है। और एक आई थिंक एक छूट रहा है, चट्टान वर्गीकरण एवं विशेषताएं भी आपको पढ़नी है। क्या चीज, इस साइड में देखिए यहाँ पर एक छूट रहा था, यहाँ पर आपको पढ़ना है चट्टान, ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ना है और चट्टानों की विशेषताएं पढ़नी। तो देखिए आपको यहाँ पे भौतिक भूगोल, ये जो समंदर सिंह की जो बुक है, इसमें आपको सिर्फ दो टॉपिक नहीं मिला, तो वो दो टॉपिक क्या है, एक तो आपको ये नहीं मिला कि भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास आपको नहीं मिला, और दूसरा आपको कौन सा, जल निकासी प्रणाली और पैटर्न, ठीक है, जल निकास प्रणाली एवं पैटर्न जो है, ये दो टॉपिक जो है वो समंदर सिंह की बुक में नहीं है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रही होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।